नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सह 151वां पुण्यतिथि अग्रहण शुक्ल पंचमी के पावन अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी स्मृति में सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या एवं भाव नृत्य की प्रस्तुति होगी। कहां पर होगी? समिति परिसर, विष्णुपुर स्थित समिति परिसर में ही जहां हम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और किन? और जमशेदपुर के प्रत्येक क्षेत्र से लोग यहाँ आते हैं। बारीजी, आदित्यपुर, तेलको, गोविंदपुर, साची, मानगो, कदमा, सोनारी, तमाम क्षेत्रों से और इसके अतिरिक्त भी बाहर से कमरिया वगैरह से भी लोग यहाँ आते हैं। इस कार्यक्रम में प्रातः 9 बजे से पंडित सुरेश झा के द्वारा गोस्वामी जी का शोकोपचार, भोजन, हवन, तदुपरांत प्रसाद वितरण एवं ब्राह्मण कुमारी भोज का आयोजन किया गया है। तत्पश्चात संध्या 6:30 बजे गुरुवंदना श्री अशोक कुमार झा प्रेमी एवं कैलाश ठाकुर द्वारा प्रस्तुत कर भजन संध्या का शुभारंभ किया जाएगा। पुनः भाव नृत्य बाल कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य। इस तरह का भी उद्देश्य क्या, किस लिए कराया जाता है? कार्य है, गोस्वामी जी का व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि वे मानव धर्म में विश्वास करने वाले थे। प्रत्येक संप्रदाय के लोग उनके शिष्य थे, चाहे वह मुस्लिम संप्रदाय से हो या ईसाई संप्रदाय से हो। जौन साहब ईसाई थे, वे भी उनका प्रमुख शिष्य में थे। गौस खान प्रमुख शिष्य में थे, मुस्लिम संप्रदाय से थे। हिंदू समुदाय से रघुवरदास जी प्रमुख शिष्य में से थे। तो उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रख करके हम लोग आज के समय में, जबकि हमारे देश में क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद धर्म पर है, तो ऐसे महापुरुषों को याद करने से निश्चित रूप से समाज में शांति की स्थापना होगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष हम लोग अपने समिति परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या एवं भाव नृत्य, सामाजिक कार्यक्रम का रक्तदान शिविर। अपना परिचय दीजिए। मैं भगवान दत्त झा, महासचिव परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी सर। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।